बिहार में नई शिक्षक भर्ती नियमावली के विरोध में मानसून सत्र के चौथे दिन भी बीजेपी विधायकों का सदन में प्रदर्शन जारी रहा। तेजस्वी की बर्खास्तगी की मांग और शिक्षक भर्ती नियमावली में हुए बदलाव को वापस लेने समेत कई मुद्दों पर बीजेपी विधायकों ने सदन में जमकर बवाल किया। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही बीजेपी विधायक वेल में आकर प्रदर्शन करने लगे। नीतीश कुमार से तेजस्वी के इस्तीफे की मांग और राज्य में शिक्षकों की नियुक्ति के मुद्दे को लेकर विधायकों ने सदन के अंदर जमकर नारेबाजी की। हंगामे को बढ़ता देख वेल में स्पीकर ने कार्रवाई के निर्देश दिए, जिसके बाद स्पीकर अवध बिहारी चौधरी के आदेश पर बीजेपी के विधायक जीवेश मिश्रा को मार्शल बुलाकर सदन के बाहर कर दिया गया। सदन से बाहर किए जाने के बाद जीवेश मिश्रा काफी गुस्से में दिखे। उन्होंने कहा कि उन्होंने सदन में 10 लाख टीचरों की बहाली के मुद्दे पर सवाल पूछे थे। मैंने सभी टीचरों की बहाली पुराने नियमन से करने की मांग की थी, इसी बात को मैंने सदन में उठाया। मैंने शिक्षकों का मुद्दा उठाया कि साहब एसटीईटी पास, टीईटी पास जो शिक्षक है उनके लिए आपने आधे की बहाली कर दी। आधे को जब बहाल करना था तो नया नियमावली ला दिया। दोनों के साथ एक भेदभाव मत करिए, दोनों के साथ एक प्रकार का रवैया अपनाइए। यही बात जब उठाए तो अध्यक्ष को लगा कि जैसे राजद पर ये प्रहार हो गया, वो छिलमिला उठे। वो राजद के एजेंट के रूप में काम करते हैं, हर बात में मार्शल करेंगे। ये कौन सा तरीका है? ये तो पहली बार हो रहा है लोकतंत्र में। ये तो बेईमान अध्यक्ष है। हमको इस बात को कहने में कोई आपत्ति नहीं है कि मैंने इतना बेईमान अध्यक्ष नहीं देखा जो नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं देता है, उनका माइक बंद करा देता है। तेजस्वी यादव ही नेता प्रतिपक्ष थे, हमारे स्पीकर थे। जब वो खड़े होते थे उनको 2 मिनट बोलने का अवसर मिलता था। ये पहला बार देख रहे हैं किसी अध्यक्ष को कि लीडर अपोजिशन का माइक बंद कर देता है, बोलने ही नहीं देता है। भ्रष्ट हो चुके हैं, अपने मतलब पद की गरिमा को गमा चुके हैं। ये किसी लायक नहीं है। ये सरकार को चलने नहीं देंगे, उखाड़ फेंकेंगे। तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक इस सरकार को उखाड़ नहीं देंगे। कैमरा के सामने अपनी बात रख रहे थे, लेकिन ये अध्यक्ष जी जो कि मर्यादा को तार तार किया, वो भी विपक्ष में कभी थे, वो भी अपनी बात को रखते थे। हम लोग सत्ता पक्ष में थे तो हमने तो ऐसा कभी मार्शल आउट नहीं करवाया, लेकिन हमारे साथ जो आज तक हमको देखे थे, कभी कैमरा, कभी मीडिया के पास हम आए हैं, हमको पहचानते भी नहीं होंगे बहुत लोग, लेकिन आज मेरे साथ क्या हुआ, हम अपनी बात को रख रहे थे। हमने जो है जो राजकर्मी का दर्जा ही इन्होंने मांगा उसके समर्थन में, लेकिन आज जिस तरह हमारे साथ व्यवहार किया गया, जो पूरा देखिए, ये फाड़ दी समुचाई, क्या कि मेरा पैर टूटा हो, ये मेरा चप्पल भी लोग फेंक दिया, मेरे साथ पैर टूटा हुआ है, पैर पे लात रख दिया। वहीं विधानसभा में शिक्षकों की नियुक्ति का मुद्दा उठाने के बाद बिहार विधानसभा से भाजपा के 2 विधायकों को मार्शल आउट किए जाने के बाद भाजपा विधायकों ने विधानसभा के बाहर धरना प्रदर्शन किया। दूसरी तरफ नई शिक्षक भर्ती नियमावली के विरोध में 10 लाख रोजगार के मुद्दे पर बीजेपी ने आज पटना में विधानसभा मार्च निकाला। इस मार्च में शामिल होने के लिए राज्य भर से बीजेपी नेता पटना पहुंचे। पार्टी ने शिक्षकों और बेरोजगारों से भी नीतीश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल होने का आह्वान किया। बीजेपी का ये मार्च सुबह 11 बजे गांधी मैदान से शुरू हुआ, जिसमें बीजेपी नेता और कार्यकर्ता डाक बंगला चौराहा आयकर गोलंबर होते हुए विधानसभा पहुंचे। वहीं प्रदर्शन के दौरान बिहार पुलिस ने कई नेताओं को हिरासत में लिया। कार्यकर्ताओं पर लाठी चार्ज भी किए गए, वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया। भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी ने यह जानकारी दी कि पटना पुलिस के लाठी चार्ज में जहानाबाद के जिला महामंत्री विजय कुमार सिन्हा की मौत हो गई है। अब जरा समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर बिहार की नई शिक्षक नियमावली में ऐसा क्या है जिस पर राज्य सरकार घिर गई है। गौरतलब है कि बिहार के वर्तमान उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव विरोधी दल के नेता थे, तो उन्होंने शिक्षकों और अभ्यर्थियों को नौकरी का आश्वासन दिया था। अब जब वो सत्ता में आ गए हैं तो उन्होंने डोमिसाइल नीति को हटा दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि अब इस भर्ती प्रक्रिया में बिहार से बाहर के लोग भी शामिल हो सकते हैं। अब इस बात से लोगों में काफी गुस्सा है। यहाँ के युवा सरकार से मांग कर रहे हैं कि डोमिसाइल नीति को वापस लाया जाए और बिहार के ही लोगों को रोजगार दिया जाए।
बहरहाल बिहार की राजधानी में फिलहाल सदन से लेकर सड़क तक बीजेपी का विरोध प्रदर्शन अब आंदोलन का रूप लेता जा रहा है। ऐसे में अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में बिहार सरकार मांग के अनुसार नियमावली में कुछ परिवर्तन करती है या फिर नहीं। फिलहाल इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। इस मामले से जुड़ी तमाम लेटेस्ट अपडेट्स और देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि चैनल से जुड़ी किसी भी लेटेस्ट अपडेट से आप कहीं चूक ना जाएं।